नमस्ते खानों के शौकीन, आज हम आपके लिए ला रहे हैं मुंबई स्टाइल पाव भाजी। तो देखते हैं क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स और कैसे बनता है ये। इसके लिए चार टमाटर, गाजर, कॉलीफ्लावर, बीन्स, मटर, आलू, पाव, काटा प्याज, हरा धनिया, ऑयल पेस्ट, टमाटर प्यूरी, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बीटरूट ऐसे पेस्ट बनाया हुआ, कैप्सिकम काटा हुआ, नींबू, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जो तीखी वाली लाल मिर्च और जो पाव भाजी मसाला और गर्म मसाला। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, दो स्पून ऑयल डाले हमने, बटर डालेंगे, जो पाव भाजी के बटर से बनती है, ऑयल से डाले तो बटर गल ना जाए, इसलिए हमने थोड़ा ऑयल डाला है। अभी इसमें काटा है तीन प्याज हमारे मीडियम साइज के, इसमें डाल देंगे, इसमें प्याज डाला चलता है। अभी हमारे जो प्याज है हल्के से ब्राउन हो चुकी है, अब इसके अंदर हमने एक शिमला मिर्च काटी हुई छोटी छोटी, इसके अंदर डाल देंगे। हमारी ये 6-7 कली लहसुन की और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1-2 हरी मिर्ची, आप अपने हिसाब से जितनी खाते तीखा डाल देना, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। इसका हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया, इसके क्या टेस्ट ज़्यादा आता है इसका। और हमारे बिग साइज के 3 टमाटर है बड़े बड़े, इसके अपने पेस्ट बना लिए, इसको प्यूरी बना लिए इसकी। स्वाद के साथ नमक डालेंगे, एक छोटा स्पून हमने डाला है, 1/2 स्पून तीखा लाल मिर्च, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इसको इससे कलर आता है अच्छा, तीखी नहीं होती है, 1 स्पून गर्म मसाला। अब हमारा जो मसाला है तैयार हो चुका है, बिल्कुल ऐसे हल्दी जैसे बन गया, इसको ऑयल भी निकल रहा है। अब इसके अंदर हमने सारी जो वेजिटेबल हमने बॉयल करी थी, इसको बॉयल कर लिया था काट के, उसको गाजर गोभी बीन्स मटर सबको बॉयल करके ऐसे मैशर से हमने इसको मैश कर लिया, अच्छे से मैश कर लिया पूरे सब को। अब इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, अरे हम जो मिक्स कर देंगे इसके अंदर बैठे जो भी हमने बॉयल करके आलू भी इसके अंदर डाल दिए थे काट के, 2 बीटरूट उसको ऐसे काट के मिक्सी में पेस्ट बना लिए कच्चे का, इसको अभी इसके अंदर डाल देंगे, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल बॉयल करी थी सब्जी, उसका जो पानी है इसके अंदर डाल देंगे, वेजिटेबल स्टॉक है जो, इसको कवर करके 2-3 मिनट और पकाएंगे। पाव भाजी पकते पकते 3-4 मिनट हो गए, अब इसको थोड़ा सा बटर डाल देंगे अब इसके अंदर पाव भाजी मसाला डालेंगे छोटे 2 स्पून, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। पाव भाजी रेडी हो चुकी है, पाव को हम गर्म करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा बटर डालेंगे तवे के ऊपर, भाजी मसाला थोड़ा सा डालेंगे, कर देंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम पाव को ऐसे टोस्ट कर लेंगे, थोड़ा रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे, सरी कर लेंगे। हमने हरे मटर रखे और इसके उबले हुए मटर और ओनियन से इसकी गार्निश करेंगे, ऊपर से नींबू रखेंगे। देखिए हमारे पाव भाजी की थाली इतनी बेहतरीन सज गई है, साथ में है गर्मा गर्म पाव भाजी, इतनी सुंदर लग रही है, नींबू निचोड़ के खाऊंगा मैं इसे, और साथ में प्याज कटे हुए और नींबू भी है अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे तो चाहिए होगा। तो आप भी बनाइए और आप भी खाइए ये स्वादिष्ट खाना, और हमारे चैनल तड़का ट्रैवलर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ऐसी स्वादिष्ट यम्मी यम्मी वीडियोस देखने को मिलेगी। थैंक यू।